इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम, हीरो का शोरूम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाएगी, स्कूटी जो आती है वो मिल जाएगी आपको, सब स्टॉक अवेलेबल, उसकी जितनी उसमें वेरियंट होती है सब यहाँ आपको मिल जाएगा, जितना जो आपको क्वालिटी उसको बताया जाएगा ये सब आपको मिल जाएगा। ये है, हम लोग आए हैं एनआईटी मोड़ के पास। तो यहाँ हम जाके भैया से बात करेंगे, पूछेंगे इसमें क्या वेरिएंट होती है पेट्रोल इंजन और ये इलेक्ट्रिक इंजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसमें कितना सेफ्टी को ख्याल रखा जाता है, इसका स्पेस कितना है, कितना किलोमीटर चलता है, ये सब हम जानेंगे भैया से। और कल जो धनतेरस है उस धनतेरस में क्या क्या भैया ऑफर दे रहे हैं ये सब हम बात करेंगे। आपको 70 किलोमीटर रेंज है इसका, डिजिटल मीटर है, इसमें आपका रिवर्स गियर है जो पीछे बैक हो जाएगा 4 किलोमीटर तक, इसमें कंट्रोल बटन है, मान लीजिए कि पछताना चलते चलते अगर कंट्रोल बटन दबा दिया तो स्पीड रुक जाएगा वहीं पर। अच्छा, उस स्पीड में गाड़ी चलेगा। फोन चार्जिंग का भी व्यवस्था है इसमें, सामने फोन चार्जिंग भी लगेगी, तो फोन चार्ज लग जाएगा और ये आपको 70 किलोमीटर चलेगी। प्राइस है 83,500। अच्छा, चार्जिंग के साथ चार्ज घंटा आपको चार्ज करना होगा, 4 घंटा चार्ज कीजिए 70 किलोमीटर। हाँ, 70 किलोमीटर चलेगा, आप किसी कंपनी 90 किलोमीटर का क्लेम करके 70 किलोमीटर चलेगा। और इसमें क्या क्या गारंटी गाड़ी के लेने की गारंटी लेने पर गारंटी वारंटी, 3 साल बैटरी है, 3 साल मोटर और 1 साल चार्जर का गारंटी है, जो आपको रिप्लेस करके अगर काम होता है बनाया लगा कर। तो ये जो आप बता रहे हैं वो सारी इलेक्ट्रिक बाइक है। और इसमें मोटर वोटर का कहाँ क्या लगा रहता है? ये मोटर है, वाटर प्रूफ मोटर है। और ये नॉर्मल स्कूटी से इसका व्हील्स बड़ा है। हाँ, नॉर्मल स्कूटी से इसका व्हील्स बड़ा है, जैसे ओके अमा से व्हील्स बड़ा है और करेगा तो ओला से इसका व्हील्स बड़ा है। अच्छा, और इसकी वो बैटरी है, वो बैटरी के साथ दो यहाँ इतना चार्जर है। अच्छा, ये चार्जिंग हो गया, जो कहीं भी आप लगा के बाइक को चार्ज कर सकते हैं। जिससे फोन चार्ज हो जाएगा, जिस सॉकेट से उसे चार्ज हो जाएगा, 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। लिथियम बैटरी लगा हुआ हीरो का, जो आपको कोई प्रॉब्लम 3 साल तक तो बिल्कुल आँख मूंद के चला, ये कंपनी आपको पूरी गारंटी दे रही है। रिवर्सेबल बैटरी है, मतलब निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं आप। अच्छा, अलग से बाहर निकाल के चार्ज कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगा। डिक्की में स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है स्पेस, कुछ भी आप कैरी कर सकते हो। और यहाँ एक यहाँ क्या भैया ऑन कर देते हैं, जो कट कर दीजिएगा तो कट कर दीजिएगा तो गाड़ी ऑफ हो जाएगा और बैटरी का आपका इससे खत्म नहीं होगा। जब भी कहीं भी पार्किंग में लगाए अगर घर जाते हैं तो अगर एमसीपी से जितना चार्ज रहेगा उतना है बैटरी चार्ज रहेगा, फुल चार्ज रहेगा आपका। तो ये हो गया अंदर गाड़ी का, स्पेस सीट के अंदर जो रहता है 900 लगा के देखिए स्पेस कितना है, अगर कुछ कैरी करना हो तो ये सामान है। इसके बाद यहाँ कुछ जो बैग वैग लटका के लोग चलते हैं उसके लिए ये है, डिजिटल मीटर एक हो गया। डिजिटल मीटर में देखिए सब कुछ आपको यहाँ इंडिकेट करने के लिए, देखिए यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, जो आपका बैटरी खत्म होगा तो ये दिखाएगा कि हाँ आपका मोबाइल की तरह बिल्कुल। उसके बाद ये स्पीड है, जो जितना स्पीड चलेगा, लास्ट स्पीड 55 है इसका, 55 स्पीड चलेगा, टॉप स्पीड इसका 55 ही है।
और जो यहाँ भैया वो रिवर्स है, ये कंट्रोल बटन है, दिखा देते हैं हम कंट्रोल बटन का क्या एक्टिव है। जैसे गाड़ी स्पीड हो रही है कंट्रोल बटन कर दिए तो भैया देखिए स्पीड फिक्स हो गया, 31 पे जाकर फिक्स हो गया है गाड़ी, इसी पर गाड़ी चलेगा देखिए। और गाड़ी में साउंड बिल्कुल नहीं है क्या? हाँ साउंड गाड़ी पूरा ऑन है, देखिए चक्कर घूम रहा है बिल्कुल, लेकिन साउंड बिल्कुल ही नहीं है गाड़ी में, तो साउंडलेस गाड़ी चाहिए। बिना CX है और ये डिजाइन गाड़ी का डिजाइन जो है वो भी मस्त है, आपको डबल सीट लगाया है जिसमें बहुत अच्छा है, ये देखिए फुट रेस्ट भी दिया हुआ है और एक फुट रेस्ट जो गाड़ी के साथ आता है वो तो है। और बैक साइड से ये मॉडल आपको दिख रहा होगा जो बैक साइड से ऐसा कुछ दिखता है, और अगर गाड़ी भैया गाड़ी पानी में गया तो कोई दिक्कत नहीं, वाटर प्रूफ है कितने भी पानी में चलाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब वाटर प्रूफ मॉडल है, पानी में डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी तो बैटरी भी कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी भी वाटर प्रूफ। हाँ अगर कोई ओल्ड वोल्ट आ रहा है तो चेंज करके नहीं आएंगे, 3 साल तक। हाँ मान लीजिए कहीं चलते चलते गाड़ी रुक गया या ऐसा कोई कस्टमर को मतलब अगर फोन किया तो मैकेनिक, हाँ मैकेनिक जाने रिमोट कंट्रोल आया है, रिमोट कंट्रोल है चाबी भी रिमोट से है, देखिए यहाँ देखिए ये रिमोट से गाड़ी ऑन कर दिए भैया, ये रिमोट यूज कर देते क्या तो ये साउंड ये होता है जैसे कार में जो फैसिलिटी रहती है वो फैसिलिटी रिमोट से ऑन कर सकते हैं। और इसमें जैसे मोटर डिफरेंट है, 500 मैक्सिमम कितना, ये है जो आपको 140 किलोमीटर चलेगा रेंज इसका, 140 किलोमीटर रहेगा और सिंगल चलिएगा तब 140 किलोमीटर, अगर डबल लोडिंग चलेगा तो 120 किलोमीटर आप चलिए। और बाकी जो स्पेस गाड़ी में इसमें कंट्रोल बटन है और इसका टॉप स्पीड 55 है, सेम है उस और इसमें सेम है लेकिन टॉप स्पीड 55 है, ये आपका रेंज इसमें बढ़ जाएगा इसलिए इसका प्राइस बढ़ रहा है। डबल बैटरी है, डीजल अगर 3 साल अगर आप 60 किलोमीटर डेली 100 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो आपका 3 साल में आएगा 2,16,000 का तेल जला दीजिएगा, पेट्रोल जला दीजिएगा उतना में तो आप गाड़ी खरीद लीजिए। मतलब ये है इलेक्ट्रिक बाइक चलाइए और हर साल पैसे बचा के पैसा बचा के देखिए बिजली यूनिट आपका 2 यूनिट उठेगा चार्ज करने का, 2 यूनिट बिजली बिल आपका लेगा जितना आपका लगभग फोन भी ले लेता है कभी कभी, हाँ ये फास्ट चार्जिंग लीजिएगा तो 2 घंटा में 2 यूनिट ले रहा है तो आपका 20 रुपया ले रहा है मान लीजिए, तो अगर आप पेट्रोल वाला गाड़ी लीजिएगा तो 1 महीना में उसमें 600 रुपया तो सर्विसिंग का अलग अलग खर्चा होता होगा, मेंटेनेंस हो सकता है, इसमें सर्विसिंग का कोई चांस ही नहीं है, मतलब सर्विसिंग इसमें क्या है, ब्रेक इसका सो बदलना होगा 6 महीना पर बदलिएगा, मान लीजिए कि ब्रेक सो का दाम 340 रुपये है तो 6 महीना पर 340 रुपये आपका इन्वेस्ट होगा, मेंटेनेंस का झंझट ही चलाइए जितनी चलाइए 3 साल तक आप नीचे 3 साल आपको कंपनी हर चीज़ देगी, जो इसका 3 चीज़ जो मेन मेन है मान लीजिए कि मोटर सबसे सबसे कीमती मोटर है, मोटर को आप अगर अच्छा से रखिएगा अगर फोन को अच्छा से तेजी से एक तरीके मान लीजिए डिजिटल फोन को जितना अच्छा से रखिएगा उतना अच्छा से हीरो लाया है तो कुछ ना कुछ तो बात है, ऐसे सबसे ज़्यादा हीरो का इलेक्ट्रिक बाइक बिल्कुल मेरे पास जितना स्टॉक है। तो अगर आप तो कोई इलेक्ट्रिक बाइक धनतेरस में लेना चाह रहे हैं या कोई पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन एक बार आगे भैया से मिलिए, आप सजेशन लीजिए इस बार ही एक बार शोरूम विजिट कीजिए, ये नहीं कि आप आगे समझ लीजिए, अगर आपको नहीं भी लेना है तो विजिट कीजिए, आइए मेरे शोरूम पर ले जाइए अच्छा है, और गिफ्ट में भी आपको मिलेगा अभी से छठ तक में आप विजिट करते हैं तो आपको श्री घर गाड़ी में फ्री मिलेगा और कुछ गिफ्ट मिलेगा, तो ये आपके लिए ऑफर है छठ तक जो आप भैया दुकान विजिट करते हैं आपको गाड़ी बुक करते हैं लेते हैं तो आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, एक्सेसरीज और बाद में लीजिएगा तो उसका चार्ज लगता है हर जगह, वो अभी आपको फ्री में मिल रहा है और ऊपर से गिफ्ट, हाँ गिफ्ट मिलेगा हर कस्टमर को कुछ ना कुछ जरूर।
पटना के लिए एक नंबर गाड़ी है, आप लोग यूज कीजिए। अगर विश्वास है तो एक बार यूज करके देखिए, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है। एक बार आइए शोरूम पर विजिट कीजिए और देखिए, टेस्ट ड्राइव भी अगर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर आप अगर आपको कम लगेगा पेट्रोल वाला से तो आप कहिएगा कि अच्छा लगे। तो इतनी फैसिलिटी भैया आपको कहीं नहीं दी जाएगी, ये समझ लीजिए। जो टेस्ट ड्राइव भी भैया देंगे, एक्सेसरीज फ्री रहेगा, ऊपर से आपको गिफ्ट दिया जाएगा छठ तक। एक बार विजिट कीजिए, आज आपको नहीं लेना है तो विजिट कीजिए, कोई जरूरत नहीं। विजिट कीजिए आप मेरे शोरूम में आके और समझिए कि हाँ है, अच्छा है तो आप लीजिए, कंपेयर करके आपको कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं है। अगर आपको लेना चाह रहे हैं तो भैया के शॉप में आके विजिट करें। बहुत सारी आपको अच्छा गाड़ी में फॉल्ट आया 3 साल तक, तो भैया की ऐसा होती है, भैया अगर बैटरी में फॉल्ट पड़ रहा है तो भैया चेंज कर देंगे, मोटर में चेंज। कंपनी आपको पूरी फुल फैसिलिटी देती है, भैया सपोर्ट करेंगे। लाइसेंस उसके कोई जरूरत नहीं है और बहुत अच्छा है गाड़ी, देख सकते हैं आप आगे से देखिए मॉडल है, लाइटिंग इतना अच्छा है इसका, काफी अच्छा लुक है, बहुत अच्छा है। मेनली यही है जो बच्चे भी नॉर्मल जो घर में काम है तो सब लोग चलाना है, उनके लिए बिल्कुल अच्छा है। आपको स्पीड कभी बढ़ेगा नहीं, कोई एक्सीडेंट करने का लगेगा नहीं, लाइसेंस का भी जरूरत नहीं है। कंपनी इसमें लाइसेंस फ्री कर दिया, लाइसेंस फ्री है, क्या इसका मिनिमम 27 अगर स्टेशन इसमें पता नहीं है तो लाइसेंस का जरूरत है। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए भाई, जो आप लोग बच्चे को दूर जाते हैं स्कूल जाते हैं, मतलब संत माइकल भेज रहे हैं तो 3000 बस का दे रहे हैं, बहुत स्कूल है 3000 से कम कोई स्कूल का चार्ज नहीं है, तो बच्चा के लिए एक नंबर है विदाउट लाइसेंस इनका यूज कर देना। कितना बस का भाड़ा देते हैं उतना नहीं गाड़ी ले जा रहे, फाइनेंस हो जाएगा। आप पटना के निवासी के लिए 15,000 में डाउन पेमेंट पर गाड़ी ले जा सकते हैं। जब फाइनेंस का ये सिस्टम है 15,000 में दीजिए और ले जाइए, ई एम आई से करके 15,000 डाउन पेमेंट करके ले जा सकते हैं। ई एम आई चार्जेस कैसे? 0% पे जो सर्विसिंग मतलब इंटरेस्ट 0। अच्छा, वही इंटरेस्ट रेट जो होती है वो 0 है। हाँ, तो आप समझिएगा जो इंटरेस्ट कोई नहीं, जितना गाड़ी का प्राइस रहेगा उसी का ईएमआई बन जाएगा। हाँ, उसी का ईएमआई बन जाएगा। 15,000 मात्र 15,000 में आके आप गाड़ी बुक कीजिए और ले जाइए, धनतेरस दीपावली अच्छे से मनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप अपने ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।